वेलकम टू दिस क्लास। मेरा नाम देवेश मिश्रा है और आज के इस सेशन में हम बाइनरी अरिथमेटिक के एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे। पिछले सेशन में हमने बात की थी बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल नंबर्स को डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करने की। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे बाइनरी नंबर्स पर परफॉर्म किए जाने वाले डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस की। कौन कौन से अरिथमेटिक ऑपरेशंस हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं? पहला अरिथमेटिक ऑपरेशन जिसके बारे में हम बात करेंगे, एडिशन ऑपरेशन, और दूसरा ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन, जोड़ और घटान। तो शुरू करते हैं हम लोग एडिशन से, और एडिशन को सीखने से पहले बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे पास दो अंक होते हैं, जीरो और वन। तो इन जीरो और वन को किस तरह से हम जोड़ते हैं उसको पहले हम समझ लेते हैं एक टेबल की सहायता से। कोई भी दो नंबर्स को जब हम जोड़ते हैं, या अभी हम यहाँ पर केवल डिजिट्स की अगर हम बात करें, तो जब हम दो डिजिट्स को आपस में जोड़ते हैं तो उन डिजिट्स को जोड़ने पर जो रिज़ल्ट आता है उस रिज़ल्ट के दो हिस्से होते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सम की बात करें डेसिमल नंबर्स के केस में, तो अगर हम जोड़ते हैं एक और दो को तो यहाँ पर हमारा रिज़ल्ट आता है तीन। इस रिजल्ट को हम कहते हैं सम। इसी तरीके से अगर हम आठ और पाँच को जोड़ते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है तेरह। लेकिन वो तेरह कैसे आता है? आठ और पाँच को जोड़ने पर इनका जो सम होगा दैट इज थ्री, और एक हमारा कैरी होता है जो कि आठ और पाँच के पहले हम जीरो मानकर यहाँ पर जोड़ लेते हैं और रिजल्ट आता है हमारा तेरह। तो अगर हम टर्मिनोलॉजी के टर्म्स में बात करें तो आठ और पाँच को जोड़ने पर एट प्लस फाइव, इसका जो आउटकम है इसके दो पार्ट्स होते हैं, वन इज कैरी दैट इज वन, अनदर इज सम विच इज थ्री। इसी तरह से अगर हम बाइनरी नंबर्स की बात करते हैं तो बाइनरी नंबर्स के केस में अगर इनपुट ए और बी है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि ए और बी दो बाइनरी डिजिट्स है या बिट्स है और इन बिट्स को हमें जोड़ना है, तो ए और बी के जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ हो सकते हैं ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो वन, वन ज़ीरो एंड वन वन। इनको जोड़ने पर जो हमारे समेशंस होंगे, जो रिजल्ट्स होंगे कैरी और सम सी एंड एस, वो क्या क्या होंगे? ज़ीरो को ज़ीरो में जोड़ने पर कैरी भी ज़ीरो सम भी ज़ीरो, ज़ीरो को वन में जोड़ने पर कैरी ज़ीरो सम भी ज़ीरो सॉरी सम वन, कैरी वन प्लस ज़ीरो करने पर कैरी ज़ीरो सम वन। जब वन में वन जोड़ते हैं तो यहाँ पर सिनेरियो डिफरेंट होता है। वन में वन जोड़ने पर अगर हम डेसिमल टर्म्स में बात करें तो डेसिमल में वन जोड़ने पर जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट टू होता है, और टू को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करें देन बाइनरी ऑफ टू इज वन ज़ीरो। तो यहाँ से हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि जो सम होगा यहाँ पर ज़ीरो होगा और कैरी यहाँ पर वन होगा। ये एक जो केस है हमारा हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी तीनों केसेस में हमारे जो सम और कैरी हैं वो उनको लिखना या उनको समझना आसान है। जो फोर्थ केस है हमारा वन प्लस वन, इस फोर्थ केस में जो सम है वो हमारा ज़ीरो होगा और कैरी वन होगा। तो अगर हम ये ठीक से याद रखते हैं तो हम न्यूमेरिकल्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम आगे बात करते हैं एक क्वेश्चन की सहायता से, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमें नंबर गिवन है
101 प्लस 110 और इसका रिजल्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो इस समीशन को हम सॉल्व करते हैं, पहला नंबर 101, दूसरा नंबर 110, दोनों का बेस 2, जोड़ते हैं इनको 101011, इसको हम यहाँ टेबल से भी देख सकते हैं, 1 प्लस 0 1 प्लस 0, सम इज 1, कैरी इज 0, 0 प्लस 1, सम इज 1, कैरी इज 0, 1 प्लस 1, सम इज 0 एंड कैरी इज 1। अब इन दोनों नंबर्स में यहाँ पर कोई भी अंक नहीं है, तो यहाँ पर हम 0 एज्यूम करके यहाँ जोड़ सकते हैं, तो इनको जोड़ने पर जो सम आएगा दैट विल बी 1, इन दोनों नंबर्स का सम होगा 1011। इस तरह से हम बाइनरी नंबर्स का समीशन कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट थोड़ा बढ़ाते हैं, 1011 प्लस 111, पहला नंबर 1011, दूसरा नंबर 111, जोड़ना शुरू करते हैं, 1 प्लस 1, सम 0, कैरी 1। अब यहां पर 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 1 आ गए, पहले इन दोनों को जोड़ते हैं, 1 प्लस 1, सम इज 0, कैरी इज 1, तो कैरी को हम सेपरेट कर लेते हैं और सम जो 0 आया उस सम में हम अगले वाले 1 को जोड़ते हैं, तो 0 में जब 1 को जोड़ेंगे तो सम 1 आएगा, कैरी 0 होगा और जो बचा हुआ कैरी था इन दोनों के एडिशन का उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, 1 प्लस 1, अगेन सम इज 0, कैरी इज 1, अगेन 1 प्लस 1 इज 0, कैरी इज 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 हम एज्यूम कर सकते हैं और जब इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा नंबर आएगा 10010। तो इस तरह से हम बाइनरी नंबर्स का एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की, और सब्ट्रैक्शन या घटाने की प्रक्रिया सीखने से पहले हम बात करते हैं दो और अरिथमेटिक ऑपरेशंस की, जिसको हम कहते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट। तो इन दोनों मेथड्स को हम सीखते हैं। पहले वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ बाइनरी नंबर इज ऑब्टेंड बाय इन्वर्टिंग इट्स डिजिट्स। फॉर एग्जांपल, इज ऑब्टेंड बाय इन्वर्टिंग इट्स डिजिट्स। इन्वर्जन का मतलब क्या हुआ, इन्वर्ट करने का मतलब क्या हुआ, जहां पर 0 है उसको हम इन्वर्ट करके 1, और जहां पर 1 है उसको हम इन्वर्ट करके करते हैं 0। तो ये जो प्रोसेस है हमारा, ये प्रोसेस कहलाता है इन्वर्जन, या एक हमारा लॉजिक गेट इन्वर्टर होता है जो कि यही काम करता है, 0 को 1 में और 1 को 0 में कन्वर्ट करता है। ये एक बहुत सिंपल प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ कोई भी एक नंबर हम ले लेते हैं, 101101 base 2 इज इक्वल टू, इसके लिए क्या प्रोसेस होगा, यहाँ हम देख सकते हैं जहाँ पर 1 है उसकी जगह 0, जहाँ पर 0 है उसकी जगह 1, तो यहाँ 1 है इसकी जगह 0, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, फिर अगला 1 है इसकी जगह 0, 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0। तो इस दिए हुए बाइनरी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 010010। एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ ट्रिपल 1 ट्रिपल 0 1 ट्रिपल
वन की जगह 000 और 000 की जगह 111 और 1 की जगह 0। तो इस तरह से हम किसी भी दिए हुए बाइनरी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट की। टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी बाइनरी नंबर बी इज इक्वल टू वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी प्लस वन। अब यहाँ पर थोड़ी सी प्रोसेस जो है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी बाइनरी नंबर बी इज इक्वल टू वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी प्लस बाइनरी वन। इसके लिए हमें टूज कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करने के लिए पहले वंस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना होगा और उसके बाद में उसमें वन ऐड करना होगा। फॉर एग्जाम्पल टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ डबल 1011 इज इक्वल टू वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 11011 प्लस 1/2। वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 11011 इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं 00100/2 और इसके बाद इसमें हम 1 जोड़ते हैं। 1 जोड़ने पर हमारा जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या होगा, 0 में 1 जोड़ेंगे 10100। तो यहां से हम कह सकते हैं कि टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 11011 इज इक्वल टू 00101/2। इसको हम एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। इसके लिए टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 110100 इज इक्वल टू वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 110100 प्लस वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 110100 वी कैन कैलकुलेट इट 001011/2 और इसके बाद इसमें 1 जोड़ते हैं तो 1 जोड़ने पर 11 का समेशन 0 कैरी 1, 11 का समेशन 0 कैरी इज 1, 10 इज समेशन इज 1 कैरी इज 0 देयरफॉर टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 110100 इज इक्वल टू 00110000 2। तो ये दो प्रोसेस हमने आज सीखे वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करने के। बारी नंबर्स के वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं ये हमने सीख लिया। अब नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम बात करेंगे कि वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट इन दोनों को यूज़ करके जो बाइनरी सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस है वो किस तरह से हम परफॉर्म करते हैं ये हमें सीखना है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन का जो प्रोसेस है वो वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट दोनों को यूज़ करके ही हम परफॉर्म करते हैं। तो ये हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।